नमस्कार, मैं अर्चना। स्वागत है आप सभी का KP24 न्यूज में। देखते रहिए मेरे साथ KP24 न्यूज। मैं अर्चना, मुंबई। गटर की खुदाई से हुआ संदीप दुकानदार की दुकान का नुकसान, गटर बनाने के बाद दुकान बनाने पर हुआ विवाद। जी हाँ, हर साल बरसात की वजह से नाला सोबारा के अलकापुरी में काफ़ी पानी भर जाता था और लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इस साल नगर पालिका वाले एक अच्छी गटर बना रहे हैं जिससे पानी जमा ना हो सके और लोगों को तकलीफों का सामना ना करना पड़े। गटर की खुदाई करते वक्त कई दुकानदारों को नुकसान हुआ और जब गटर बन गई तो दुकानदारों ने फिर से अपनी दुकान बनाना शुरू कर दिया। इस बीच संदीप दुकानदार और रवि पाटिल का हुआ जमकर झगड़ा। क्यों हुआ झगड़ा, आइए हम आपको ले चलते हैं संदीप और रवि पाटिल के पास और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी बात। जो है क्या बोल रहे थे अभी आप? ये कॉन्ट्रैक्टर है बंदे, ये जब चाली खड़ा किए थे इनका नाम चढ़ा था कॉन्ट्रैक्टर का, और अब कॉन्ट्रैक्टर इनके पिताजी थे वो गुजर चुके, और जो 7-12 का जो मालकी प्लॉट है जिसका जमीन मालिक है वो, उनका नाम है ललन यादव। उन्होंने रमानंद पाटिल से उन्होंने पिकअप लिया था, उसका रजिस्ट्रेशन पेपर भी है प्लस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, वो मेरे पास पुरावा पूरा है, मैं आपको उसका पीडीएफ दे सकता हूँ। मेरा सुनो, जो 7-12 ये देखो, जो 7-12 शांताराम लहू पाटिल उसके नाम पे था उससे खरीदी किया है लल्लन ने, वो 7-12 वही हिस्सा नंबर अलग है, मेरा हिस्सा नंबर अलग है, मेरा हिस्सा नंबर अलग है, मेरे हिस्से में सब लोग को, बिल्डिंग वाले को भी जगह दिया, अल्बर्ट को भी पूछो, लगे तो अल्बर्ट को पूछो, अल्बर्ट भी मेरे से जगह लिया है। ये दुकान आपको किसने बेचा था? राम खिलावन गुप्ता, रोशन लाल गुप्ता। ओके, 7-12 ये किसके नाम पे? 7-12 ये है ललन यादव के नाम पे। ये 7-12 अनंत रामा पाटिल के नाम पे है। किसके नाम पे? 7-12 अनंत रामा पाटिल के नाम पे। बाजू पर लगे तो ये दुकान वाले को भी पूछो, दुकान वाला भी तुमको 7-12 घरपट्टी देखो, इधर इधर अनंत रामा पाटिल, अनंत रामा पाटिल के नाम पे घरपट्टी दिखाओ, घरपट्टी। क्या जगह का क्या बोले आप? जगह का जो 7-12 है वो किसी और के नाम पे, उसने हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं दिया, बोले भैया आप अपना दुकान बना लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हाँ, और आपको मैं NOC लिख के देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। संदीप गुप्ता जी, ये क्या अनलीगल का ये जो आप आगे बना रहे हो, कि ये क्या अनलीगल का चक्कर है? देखो, आपने पहला भी मेरा वीडियो यही न्यूज़ वाले को दिया था, जो मेरी दुकान टूटी थी जिस जगह पे मेरा पिलर शटर सब हटा था, मैं उसी जगह पे अपना खड़ा करके बना रहा हूँ। अब इनको कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा पैसे का प्रेशर दे रहे हैं, कोई दादागिरी का प्रेशर दे रहे हैं, कोई हुलपट्टी का प्रेशर दे रहे हैं, कोई कब्जे का प्रेशर दे रहे हैं, कोई वाया वाया लोग आ रहे हैं। अब इसमें तो बहुत जन इन्वॉल्व है, भले क्या है, मैं अब तक एक्शन लेना चालू किया नहीं होता, और मैं यही उम्मीद करता हूँ जो मेरा चीज़ भरपा नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने खुद के पैसे से मैं अपना दुकान बना रहा हूँ, जो मेरा लॉस हुआ उससे तो मांग रहा नहीं, जो मैं अपना जगह बना रहा हूँ अपने जगह पे, जो मेरा शटर विटर था मैं अपने जगह पे रख के बना रहा हूँ, ना मैं गटर के ऊपर खड़ा हूँ, गटर से मैं बहुत दूर हूँ, चाहे तो आप फ़ोटो देख लीजिए उसके बाद, और मैं गटर के लाइन पे हूँ भी नहीं। अच्छा। और मैं अपना खाली शटर का पिलर बना रहा हूँ, सभी बना रहा हूँ, उस पर आके ऑब्जेक्शन चालू करना चालू कर दूँ मैं, भाई मेरा शटर जहाँ पर था मैं वहाँ पर ही बना रहा हूँ। तो ये जो आपका जो नुकसान इतना हुआ था, जैसे कि हमने न्यूज़ चलाया था और आपके जो है दुकान में काफ़ी ये नुकसान हुआ था कि ये सब शटर वटर गिर गई थी, काफ़ी कितना अनाज का नुकसान हुआ था, ऊपर से पत्रा गिर गया था और नीचे जो है गटर में के ये जो है आपका कांटा वगैरह सब गिरा देखे थे, तो ये भरपान आपको नगर पालिका ने किया है या आप अपने पैसे से बना रहे? मैं अभी तक नगर पालिका ने कुछ नहीं किया, ना कुछ भरा, ना कुछ एक्शन लिए, आज
कम से कम 24 तारीख को दुकान टूटी है और आज फिलहाल तारीख है 9, 24 अप्रैल को दुकान टूटी और आज है 9 मई और अब तक कुछ भरपान नहीं हुआ। तो मैंने बोला अपने पैसे से खुद बनाता हूँ, मैं बना के दुकान दौरी खड़ा करता हूँ। अब वो खड़ा कर रहा हूँ तो दूसरे कोई आके यहाँ पे खड़े होके जवाब बोलता, अरे क्या बना रहा, क्यों बना रहा। अब मेरा पहले से जगह, मेरा घर पट्टी सब और लाइट मीटर सब मेरे नाम पे, सब कुछ मेरे नाम पे। खाली इधर के आलतू फालतू जो गुंडे लपचिया ये सब लोग है वो तो आके सीधा हफ्ता मांगने की कोशिश में लगे। मैं नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं मेरा जब भरपान नहीं मिला है तो मैं क्यों किसी को पैसा दूँ। तो ये जितना जो वर्करों तक का, आपके यहाँ कुछ वर्कर जो है जो काम करने वाले थे उन तक का भी आपको किसी ने कुछ भरपाई नहीं किया? कोई भी नहीं, कुछ भी भरपाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इधर के कोई इधर उधर बोलता, मैं गांव वाला हूँ, मैं शहर वाला हूँ, मैं यहाँ का गुंडा हूँ, मैं यहाँ का कोई भी नहीं है, जगह मालिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई बोलता मैं नगर सेवक हूँ, नगर सेवक छोड़ के 5 साल रिटायर हो गया, वो भी हुलपट्टी देने के चक्कर में। तो अभी किसको किसको मैं बताऊँ आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण भाई है। प्रवीण जी, अभी यहाँ जो है ये जो रवि पाटिल जी जो है यहाँ खड़े हुए हैं और संदीप गुप्ता जी की दुकान है ये जो बन रही है, आपको इसमें क्या गलत दिख रहा है? वो आ गया है, वो गलत दिख रहा है श्री, बस ये तो हमारे सेठ है, ये हमारे सेठ है। कौन सेठ है? रवि पाटिल। रवि पाटिल जी सेठ हैं? तो रवि पाटिल जी की तरफ से आप बोल रहे हो या दुकान देख के बोल रहे हो? दुकान देख के क्या, दोनों दिख ही रहे ना भाई दोनों में। तो इसमें जो जो गलत दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? ये आगे लिया हुआ गलत दिख रहा है और क्या, कुछ भी तो नहीं है बाकी, वो तो उनका जो कुछ है वो उल्टा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद फारूकी। सईद जी, अभी आप जो है कुछ बोल रहे थे इन दोनों का आपसी जो मैटर चल रहा है, तो आप क्या बोल रहे थे अभी? इन दोनों का मैटर ये है कि ये महानगर पालिका गटर बनाने लगी तो इसका शटर और पिलर गिर गया, ठीक है जी। ये बहुत जूना है, 40 से ही इसने जगह को खरीदा है और खरीदने के बाद इसके पास घर पट्टी पुरावा सब कुछ मौजूद है। अब अगर कोई आके वहाँ पे दावा करता है नहीं मेरी जगह है तो ये रॉन्ग बात है। एक्चुअली मैं महानगर पालिका नाला सुपारा जिला का महासेक्रेटरी हूँ जी, और ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। महानगर पालिका में मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स है और ये संदीप के नाम पे है सब कुछ जी। अगर कोई दादागिरी करता है तो आप लोग सहयोग करो, फिर बाकी का क्या है महानगर पालिका देखता हूँ जी, पुलिस स्टेशन में भी देखता हूँ जब, क्योंकि काम महानगर पालिका की वजह से ही हुआ है, ये टूटा गिरा है। काम भी महानगर पालिका ही कर रही है और जो कुछ पिलर भी बना के दे रही है महानगर पालिका ही दे रही है, क्योंकि मेरी नुकसान की भरपाई कर रही है जी भाई। अंदर का ठीक है बाबू, थैंक यू। पवन जी, क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, अभी ये जो है रवि पाटिल जी जो ये बात कर रहे हैं, आपके क्या समझ में आ रहा है? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि ये काम हम लोग ने कोई ठेकेदार को नहीं दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये काम नगर पालिका के हाथ से हुआ हुआ टूटा हुआ है और नगर पालिका ही बांध के दे रही है। तू देख, तेरा नगर पालिका एसोसिएशन है, वो क्या करेगा, कानून में जाऊंगा। हाँ ठीक है। और रही बात ये, नगर पालिका बांध के दे रही है, मेरी दुकान जैसी थी मेरे को वैसी दुकान बना के मिल रहा है। तो ये दुकान जो है आपकी है? ये मेरे रिश्तेदार की है। अच्छा, तो नगर पालिका जो बना के दे रही है हम वैसे ही बना रहे हैं, उसमें कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन इनका क्या कहना है कि आगे बढ़ा के जो है? आगे कुछ दुकान बढ़ा नहीं है, आप वो चेक कर सकते हो पहले की दुकान का फोटो। ये बोलते हैं अभी की। हाँ हेलो, ये बाहर है, बाहर इकड़ी ठीक है। हाँ ये चल बाहर। रवि पाटिल, रवि पाटिल जी, आज आप जो है यहाँ जो है अलकापुरी में और यहाँ जो है ये गटर की खुदाई चालू है और अभी आपने एक जो है ऑब्जेक्शन लिया, किस लिए लिया? क्या हुआ ऑब्जेक्शन? वो दादागिरी कर रहा है मेरे ऊपर। मैं ये दादागिरी के दुकान वाला, मैं 200-300 लड़का लोग खड़ा करूंगा। क्या नाम है, क्या नाम है दुकान वाले, क्या नाम? संदीप सिंह। संदीप, संदीप दुकान वाला मतलब ये दादागिरी कर? अच्छा, किस लिए? मारने की धमकी देता है मेरे को, तू क्या उखाड़ेगा ऐसा बोलता है वो। किस वजह से? वो जग जग आगे बढ़ाया, सब लोग भी आगे बढ़ेंगे, सब लोग को आने जाने को, पब्लिक को पूरा तकलीफ हो जाएगा, फुट पैरी के ऊपर सब लोग को आने जाने के तकलीफ हो जाएगा पब्लिक को। ये दुकान से या पब्लिक से आपका जो है क्या मैटर है?
दुकान से लोगों को मैंने जगह छोड़ दिया, पहला ही जगह छोड़ा आने जाने के लिए, गटर का पूरा पाँच फीट ओटला छोड़ दिया आने जाने के लिए मैंने। अच्छा, ये दुकान आपने दी थी? दुकान मैंने दी थी उसको, मैंने नहीं दी है, मैं दूसरे को दिया था, उसने बिकत लिया। अच्छा अच्छा, मेरा दुकान दूसरे से बिकत लिया है, मेरे से डायरेक्ट नहीं बिकत लिया। ओके ओके, तो आप जो है ये आगे बढ़ चुके हैं, इसके लिए ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? ऑब्जेक्शन ले रहे हो, क्योंकि पब्लिक को आने जाने के, पब्लिक को आने जाने को तकलीफ होगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप रामचंद्र गुप्ता है। संदीप जी, अभी रवि पाटिल जी जो है जो बात कर रहे हैं, ये कि ये जो जगह है ये आप बढ़ा के जो है ये काम कर रहे हो, इसका आप इन्होंने जो जगह किसी के थ्रू आपने खरीदे थे। एक सेकंड, मैं आपको अभी एक बता दे रहा हूँ। सबसे पहला फर्स्ट बात है, मेरा नुकसान बहुत हुआ है, नगर पालिका ने मेरा, आप पहले भी हम देख चुके हैं, सुनिए, मेरा नुकसान हो चुका है, मेरा दुकान गिर गया है, बिल्डर गिर गया है, और उसके हिसाब से मैंने 280 का एरिया है मेरा, वो स्क्वायर फुट से मेरा और 5 फीट अंदर नहीं रहेगा दुकान तो बताने का, या जो भी समथिंग, या मेरा जितना जगह एग्रीमेंट पे लिखा वो दे देने का, और ये इनका कुछ वसूल नहीं है, ना जगह मालिक है ना कुछ है। अगर इनके पास है तो कानून कायदे से जावे, नगर पालिका में दिखावे, कंप्लेंट देवे, नगर पालिका का मतलब क्या, आपका जो भी रहेगा आप मेरे को नोटिस भेजिए, मैं नोटिस का जवाब नोटिस से दूंगा। किसी का दुकान बंद करके, आपका तोड़ के और हमारा नुकसान करके कुछ नहीं मिलेगा। कानून कायदे से जाएंगे तो, अगर अगर ये बोलते हैं जगह मालिक मैं हूँ, सब मैं हूँ, तो फिर इनको नोटिस मिली थी कहीं गटर की, तो इनका भी भरपान हो जाएगा फिर उसमें मेरे साथ, इनके नाम के साथ में। फिर क्या बोल रहे, नोटिस हमारे पास आई थी तो इनको, मतलब आप समझ में आ गया आपको ना, अब नगर पालिका हमको नोटिस नहीं दी, नोटिस इनको दिया और इन्होंने हमको अब तक बताया नहीं। जो नोटिस नगर पालिका मेरे नगर पालिका ले आए थे, दादा मेरा इतना जाएगा, बोले जाएगा तो चलेगा, पब्लिक के लिए करो जो घटा रही हूँ। चलो कानून का दे दीजिए, पुलिस वाले को बोलो वो चाहिए, पहले मेरा जितना है मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके, हाँ जितना है उतना उसने बनाने का, आगे ऊपर बनाने का नहीं, आगे एक इंच सुधा बढ़ाने का नहीं, उसने जो है तेरा, तू जितना दिया है मना बना के वो बनाओ, आगे बढ़ा रहे हो। ओके, तो अभी जो है आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ सबको न्याय मिलना था, सबको सेम न्याय, सब लोग को न्याय, ये करेगा दादागिरी, मैं 50 लड़के लोग खड़े करूँगा, दादागिरी कर रहा हूँ मेरे से, 50 लड़के लोग खड़े करेंगे, 100 लड़का लोग को अभी बुलाता हूँ मैं मेरे पक्ष के। अरे आना, काम चालू करना, पवन आ गया। क्या संदीप जी, ये जो कह रहे हैं कि मैं आके दादागिरी 50 लड़के बुलाएंगे, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, आ जाए, ये बताओ काम किसी का दुकान रोक के मतलब क्या है? रुक जाओ, देखते रहिए मेरे साथ KB24 न्यूज़, मैं अर्चना, मुंबई, नमस्कार।